Now we will be discussing about the state of foreign trade in India on the eve of independence. Beta, we are well aware that India had a, you know, eminence. India had a quite a renowned position in the area of foreign trade since ancient times. So British rule se pehle, India was a well-known exporter of finished goods. Finished goods like fine cotton, silk, iron-made goods, wooden goods, ivory work hota hai jaise hathi dant ki cheeze, theek hai, precious stones, carving wagera karke, theek hai, aisi cheeze bahut India mein bahut zyada banti thi, fine quality ki banti thi, and they were in demand all over the world. But when Britishers came to India, they converted India from the net exporter of finished goods to the net exporter of raw material and the importer of finished goods, right? So India became the exporter of finished primary products. I have written it over there. See, India became the net exporter of primary products. Earlier, before Britishers came to India, India was the exporter of finished goods like fine cotton, silk. Indian goods were in demand all over the world. And bete, uska benefit kya hota hai? Whenever you export finished goods mein value addition zyada hoti hai. Now you know the meaning of concept of value addition. के वैल्यू एडिशन का मतलब है वैल्यू ऑफ आउटपुट और इंटरमीडिएट कंजम्पशन का जो डिफरेंस है वो ज्यादा होता है, राइट? तो अगर आप 10 रुपए की चीज बना रहे हो, आप उसको 100 रुपए की बेच सकते हो अगर वो इंडस्ट्रियल फिनिश्ड गुड्स है, यानी 90 की वैल्यू एडिशन है. लेकिन अगर आप प्राइमरी प्रोडक्ट की बात कर रहे हो, जैसे कि रॉ कॉटन, रॉ सिल्क, तो बेटे अगर वो 10 का प्रोड्यूस हुआ है तो मैक्सिमम वो 20 रुपए का आपसे बिक जाएगा, इससे ज्यादा नहीं बिकेगा. तो ऑब्वियसली इसमें वैल्यू एडिशन कम है. सो एक किसी भी कंट्री को फिनिश्ड गुड का एक्सपोर्टर बनने में हमेशा फायदा होता है. एंड यस, इंडिया वॉज एन एक्सपोर्टर ऑफ फिनिश्ड गुड्स, बट व्हेन ब्रिटिशर्स केम इनटू इंडिया द होल सिनेरियो चेंज्ड. India became a net exporter of primary products and importer of finished goods. What was the reason behind it? The reason was discriminatory tariff policy adopted by the Britishers. What they did? They imposed heavy duty on their finished goods. So as a result, their goods lost market in foreign countries. ठीक है, जब हमारी कंट्री से गुड्स बॉर्डर क्रॉस करके दूसरी कंट्रीज में जाएंगे और लेट अस से 10 रुपए का प्रोडक्ट है, इसके ऊपर हमने 10 रुपए की ड्यूटी लगा दी, तो ये जब दूसरी कंट्री में पहुंचेगा ये 20 रुपए का बिकेगा. अब इस कंट्री में बाकी कंट्री से भी गुड्स आ रहे हैं, तो अगर वो 10 रुपए के, 12 रुपए के, 13 रुपए के प्रोडक्ट मिल रहे हैं तो इंडियन गुड को कौन खरीदेगा? इंडियन गुड विल लूज इट्स मार्केट. सेकेंडली, दे अलाउड ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट्स. ठीक है, सो दैट वाज टू बेनिफिट देयर ओन इंडस्ट्री. दे वांटेड टू बाय रॉ मटेरियल फ्रॉम इंडिया, तो इसीलिए उन्होंने उसके ऊपर ड्यूटी नहीं लगाई, तो उसको बहुत ज्यादा क्वान्टिटी में इंडिया से एक्सपोर्ट करके ब्रिटेन में पहुंचाया गया ताकि ब्रिटेन को ये गुड सस्ता मिल सके. ठीक है, नाउ व्हाई इट बिकेम द इंपोर्टर ऑफ फिनिश्ड गुड्स? बिकॉज़ ब्रिटेन ने अपने गुड्स को जब वो इंडिया के बॉर्डर क्रॉस करते थे, इंडिया में आते थे, तो इसके ऊपर ड्यूटी नहीं इम्पोज की. ठीक है, एज अ रिजल्ट अगर ये 10 रुपए का प्रोडक्ट है तो यहां पर पहुंच के भी 10 का ही बिक रहा है. ठीक है, तो इसने बहुत ज्यादा मार्केट कैप्चर कर ली और इसका इंपोर्ट बढ़ता गया. गॉट इट?
सो दिस इज बेटे कंपोजिशन. जब हम ये देखते हैं ना कि कौन कौन सी चीजों का हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं और कौन कौन सी चीजों का हम इम्पोर्ट कर रहे हैं, इट इज रेफर्ड टू एज कंपोजिशन ऑफ फॉरेन ट्रेड. सो बाय लुकिंग एट द कंपोजिशन ऑफ फॉरेन ट्रेड वी कैन कम टू नो अबाउट द पोजिशन ऑफ अवर इकोनॉमी. Now, what does the composition of foreign trade show here? That India was the exporter of primary product and importer of finished goods. So it simply states that Indian economy was a backward economy. It shows the backwardness of our economy. Right? Coming to the second point, which is monopoly control over India's foreign trade. बेटे अनदर एस्पेक्ट ऑफ फॉरेन ट्रेड विच वी आर इंटरेस्टेड इन सीइंग दैट इज डायरेक्शन ऑफ फॉरेन ट्रेड. ये हो गया कंपोजिशन. नाउ डायरेक्शन ऑफ फॉरेन ट्रेड इंप्लाइज विद विच कंट्रीज वी डू एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट. हम कौन कौन सी कंट्रीज को एक्सपोर्ट करते हैं और हम कौन कौन सी कंट्री से इम्पोर्ट करते हैं. तो बेटे जो इंडिया का फॉरेन ट्रेड था उसके ऊपर ब्रिटेन का मोनोपोली कंट्रोल था. मोनोपोली मीन्स सिंगल हैंडेडली वही कंट्रोल कर रही थी. मोर देन 50% ऑफ इंडिया फॉरन ट्रेड वॉज डायरेक्टेड टूवर्ड्स ग्रेट ब्रिटेन. अगर इंडिया से 1 करोड़ रुपए के गुड्स इम्पोर्ट हो रहे हैं तो उसमें से 50 लाख से ज्यादा ब्रिटेन को जा रहे हैं. ठीक है. सो ब्रिटेन का मोनोपोली कंट्रोल था. 50% से ज्यादा इंडिया का फॉरेन ट्रेड दैट वाज डायरेक्टेड टुवर्ड्स ग्रेट ब्रिटेन. सो बाकी जो ट्रेड किस कौन सी कंट्रीज के साथ होता था, मेन कंट्रीज वर चाइना, राइट, सिलोन. बेटे ये सारी नेबरिंग कंट्रीज हैं हमारी. चाइना आपको मालूम है इधर है, सिलोन. सिलोन श्रीलंका, उस टाइम पे श्रीलंका का नाम सिलोन होता था. ठीक है. Then Iran, which is somewhere to this side, Southeast Asian country. So basically all these are almost neighboring countries. Okay. So more than 50% trade took place with UK and rest of the trade was with China, Ceylon and Iran. So आपने भी हिस्ट्री में भी पढ़ा होगा कि 1869 में स्यूज केनाल की ओपनिंग हो गई. स्यूज केनाल से पहले इंडिया से जो प्रोडक्ट्स जाते थे वो घूम के जाते थे यूके में. ठीक है. अब स्यूज केनाल के ओपन अप होने से ये डायरेक्टली यूके जाने लग गए. ठीक है. शिप्स के थ्रू डायरेक्टली यहाँ स्यूज केनाल क्योंकि खुल गया, एक नया रूट मिल गया, तो इसके कारण ये जो डिस्टेंस था वो बहुत ज्यादा कम हो गया इंडिया और यूके का. तो उसके बाद से जो ब्रिटेन का कंट्रोल था इंडिया के फॉरेन ट्रेड के बाद वो और ज्यादा बढ़ गया. ठीक है. अब लेट अस टॉक अबाउट द एक्सपोर्ट्स नाउ. इंडिया रॉ मटेरियल का एक्सपोर्ट करता था. ठीक है. जो कि ब्रिटिश इंडस्ट्री के लिए इनपुट बनते थे और फिनिश्ड गुड्स का इंपोर्ट किया जाता था ब्रिटेन में से, राइट. So this was about the control of Britishers over India's foreign trade. So they were controlling a significant proportion of India's foreign trade. So we call it monopoly control. Right. Now coming to the third point, which is surplus trade. Are you aware of the concept of balance of trade? So because मैक्रो में हमने अभी ये टॉपिक नहीं पढ़ा है, आगे जाके पढ़ेंगे भी, लेकिन मैं शॉर्ट में बता देती हूँ. बैलेंस ऑफ ट्रेड बेटे एक स्टेटमेंट होती है, अकाउंटिंग स्टेटमेंट. जिस तरह से आप अकाउंट्स में एक्सपो रिसीट्स और पेमेंट्स का एक यू नो रिकॉर्ड रखते हैं, सिमिलर इज द केस हियर. बैलेंस ऑफ ट्रेड. ठीक है. आप गुड्स का एक्सपोर्ट भी करते हैं, गुड्स का इम्पोर्ट भी करते हैं. जब गुड्स का एक्सपोर्ट होता है तो हमारी कंट्री में फॉरेन एक्सचेंज आती है. ठीक है. ये हमारी रिसीट्स कंसिडर की जाती है. और जब हम इंपोर्ट करते हैं गुड्स का तो फॉरेन एक्सचेंज जाती है हमारी कंट्री से. सो इट इज कंसिडर्ड एज पेमेंट्स. सो लेट्स से
एक साल में इंडिया का एक्सपोर्ट हुआ 100 करोड़, ठीक है, और इंपोर्ट हुआ 80 करोड़. तो बैलेंस ऑफ ट्रेड इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स. दिस वुड बी ₹20 करोड़. सो ये पॉजिटिव में आ रहा है तो हम कहेंगे ये सरप्लस बैलेंस ऑफ ट्रेड है. हमने 100 करोड़ का एक्सपोर्ट किया, 80 करोड़ का इंपोर्ट किया, 20 करोड़ हमारा सरप्लस है. आज के टाइम पे अगर हम ये सिचुएशन देखें तो ये डेफिसिट में जाता है. हमारा जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है इंडिया का आज के टाइम पे, पिछले बहुत सालों से इंडिया का जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो डेफिसिट में जा रहा है. बट एट द टाइम ऑफ और ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस आवर बैलेंस ऑफ ट्रेड वॉज इन सरप्लस. ठीक है, सो दिस इज अ थिंग वी शुड बी प्राउड ऑफ. That at that time, even though Britishers were there, they were exporting raw material. We were importing, you know, finished goods, and maximum of trade took place with Britain. But still, our balance of trade was favorable. It was in surplus. ठीक है, यानी our receipts from the export exceeded our payments from or to towards imports. ठीक है, but जहां पर ब्रिटिशर्स होते हैं देयर इज ऑलवेज अ बट. ठीक है, बट क्या, अब इसमें हमें परेशानी क्या थी? परेशानी ये थी कि ये जो सरप्लस था वो रॉ मटेरियल के एक्सपोर्ट के करके था. अब आप बोलो फिर क्या हुआ मैम, सरप्लस तो है ना? यस वी आर हैप्पी द सरप्लस इज देयर, बट आपके मार्क्स ज्यादा आ गए, यू शुड बी हैप्पी. लेकिन जब आपके और योर पेरेंट्स शुड बी हैप्पी, लेकिन जब पेरेंट्स को पता चला ये मार्क्स नकल करके आए हैं, उनकी खुशी गायब हो जाएगी. सेम इज द केस हियर बेटे, यहाँ पर सरप्लस तो है लेकिन ये किस करके है? ड्यू टू द एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल. सो जब भी कोई कंट्री रॉ मटेरियल का एक्सपोर्ट करती है, इट इज अ साइन ऑफ बैकवर्डनेस. ये उसकी इकोनॉमिक बैकवर्डनेस शो करती है. ठीक है, दूसरा, अगर हमें लगता है कि हाँ जी ये सरप्लस में जा रहा है बैलेंस ऑफ ट्रेड, इसका मतलब इंडिया जो है उस टाइम पे रिच कंट्री होगी, कोई भूखमरी नहीं होगी, कोई गरीबी नहीं होगी, ऐसा नहीं था. डिस्पाइट सरप्लस ट्रेड, यू नो, सप्लाईज ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज लाइक फूड ग्रेन्स, क्लॉथ्स, दे रिमेन्ड डेफिशिएंट इन द डोमेस्टिक मार्केट. इन चीजों की इंडिया में अभी भी कमी थी. तीसरी बात बेटे, ये जो सरप्लस था ये इंडिया की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के ऊपर नहीं यूज किया जा रहा था. इट वॉज इंस्टेड यूज टू मीट द एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया. सेकेंडली, टू फाइट वॉर्स. ब्रिटेन उस टाइम पे वर्ल्ड वॉर में एंगेज था और इंडियन सोल्जर्स को वो वॉर में भेजता था, और जितने भी उसको उस टाइम पे आर्म्स एमिनेशन की जरूरत थी वो इस पैसों से वो खरीद रहा था. तो इसका मतलब जो आपका सरप्लस है बेटे वो वॉर फाइट करने में ब्रिटेन यूज कर रहा था, या अपने एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, क्योंकि उस टाइम पे ब्रिटेन को अपने जो भी लोग ब्रिटेन से इंडिया के ऊपर, यू नो, इंडिया में सर्व करने आते थे, जहाँ जिनको भी क्वीन विक्टोरिया उस टाइम पे भेजती होती थी, तो दे वर नॉट विलिंग बेसिकली. व्हाई वर दे नॉट विलिंग? बिकॉज दे वर नॉट विलिंग बिकॉज इंडिया का क्लाइमेट जो था वो बहुत ही अनफेवरेबल था. ठीक है, तो लोग यहाँ, और डिस्टेंस इतना ज्यादा होता था, और इंडिया में रहना वॉज लाइक नॉट एट ऑल, यू नो, फेवरेबल फॉर देम. सो दे नेवर वॉन्टेड टू कम टू इंडिया. So in order to attract them to India, they had to give them good salary package. So वो salary package ये 20 करोड़ रुपीस यानी surplus जो generate हुआ था इंडिया के trade का, उसमें से भी दिया जाता था. ठीक है, so this was all about the state of foreign trade in India at the time of independence.